Hi, Suriji. How are you? Hi, I'm good. I'm good. Nice to see you. Same here. Lovely house you got. Thank you. Thank you. So, how's things otherwise? All good? All good. Wonderful. So, Suriji, you were earlier a housewife. Yes. For quite some time. Yes. And now you are into a lot of artwork and all. Yes. How did this happen? Your fitness or housewife stay? What made you to come, bounce back? एक्चुअली देखा जाए तो बचपन से मैं आर्ट के तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी. मीन्स आर्ट मुझे बहुत पसंद था. आर्ट इज़ लाइक माई लाइफ. तो मुझे बचपन से करना था, जो भी करना था. मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा है. माई फादर वॉज प्रिंसिपल इन कॉलेज. मेरे इन लॉज की तरफ भी वैसे ही थे, सभी पढ़ने वाले लोग थे. बट मुझे था हमेशा से कि मुझे आर्ट में कुछ करना है. एंड बचपन से ही पेंटिंग करना. सो पेंटिंग के लिए मैंने कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया. इट्स माय नेचुरली गॉड गिफ्ट. और फिर सोचा किसी में करेंगे. और जब शादी हो गई, यूएस चले गए, तो ये 10-15 साल का जो गैप हुआ, मीन्स बच्चे आ गए, सब हो गया, तो प्रायोरिटी हो गई हमारी कि पहले बच्चों को, हाँ, फैमिली. एंड देन मैंने सोचा कि जो हमारा पुराना है, जो मेरी सोच है, उसको आगे बढ़ाना है. तो मैंने पैशन जो है उसको फॉलो करना है. पैशन को प्रोफेशन में चेंज करना, ये हमने डिसाइड कर लिया था. और फिर शुरू कर दिया 15-18 साल के बाद. So you have a lot of paintings now. What kind of paintings do you do? I do all kind of paintings. मैं करती हूँ canvas पे, acrylic पे ज़्यादा medium जो होता है मेरा acrylic होता है. और मैं portraits करती हूँ, spiritual paintings करती हूँ. फिर मैं abstract paintings करती हूँ. तो ऐसे बहुत सारी painting मैं करती हूँ. और commission art भी करती हूँ. What is commission art? It's like अगर किसी ने कुछ बताया कि हमें ये बनाना है तो उसकी कॉपी जो होती है, इट्स लाइक कमीशन. तो वो करती हूँ. और ये जर्नी मैंने स्टार्ट की, इनफैक्ट बचपन में ही करना शुरू किया था. और कॉलेज टाइम में मैंने सेल किए पेंटिंग्स की, साड़ियाँ बना के. तो यस, एक्चुअली हाँ, फैब्रिक पेंटिंग. सो एक्चुअली मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है. एजुकेशनली मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है. एम ए इन होम साइंस हूँ मैं. और इन सब चीज़ों में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट है. मोर इन टू इन आर्ट. यस. Wonderful. That's a great passion actually. Yes. So, how do you balance up your girl or अभी तो आपने business बना लिया अपने hobby को? Yes. थोड़ी दिक्कत हुई शुरुआत में, but balance किया मैंने. Like पहली priority तो हमेशा से family रही थी मेरी. तो जब बच्चे मेरी दो बेटियां हैं. Yes. बड़ी बेटी है वो MBBS fourth year अभी final कर लिया मेडिसिन में. हाँ यस. और छोटी वाली कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही है बिट्स पिलाने से. सो बच्चों की पढ़ाई मेरी प्रायोरिटी थी. उसको उस लोगों को जब मैंने भेज दिया तो मैं फुल टाइम उसमें इन्वॉल्व हो गई. तो अभी मेरा एक फैशन ब्रांड भी मैंने स्टार्ट कर दिया है कॉल्ड पाना बाडा बाय सुरुचि. वो शुरू किया है. यस, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. मैंने देखा आपके साड़ी वगैरह. यस यस, बिकॉज मैं फैशनेट हूँ ना. बहुत साड़ियों की, ड्रेसेस की हमेशा से रहा. मुझे आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा रहा. तो इन सब चीज़ों के कारण मैंने इसको आगे बढ़ाने के लिए. इट्स कॉल्ड ताना बाना बाय सुरुचि. ताना बाना बहुत सारे हैं, बट ताना बाना बाय सुरुचि स्पेशली दिया. So why you choose this name ताना बाना? It sounds very nice. Because मैं हैंडलूम पे ज़्यादा काम करती हूँ. और हैंडलूम का जो एक थ्रेड होता है उसको ताना बोला जाता है. और एक थ्रेड जो होता है उसे बाना बोला जाता है. तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करेगा मेरे ताना और इसका. तो इसलिए मैंने ये बहुत बढ़िया है चूज किया नाम. It's called weft and wefted. Yes, weaving. Weaving का वो जो हिंदी में उसके वर्ड है ताना और बाना. तो I didn't know that. Yes, नहीं था. तो वो नाम तो अच्छा लग रहा था, पर क्या चीजें समझ नहीं आ रही थी. It sounds very nice. Okay. So what are the range you have in this? I have actually ताना बाना में मेरे जो range है वो 1200 से लेके 20,000 तक के range में रखे हैं.
सो एक्सक्लूसिव भी है, मैं आर्टिशियंस के साथ जुड़ गई हूँ और डायरेक्ट आर्टिशियन के थ्रू मैं प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरी प्रायोरिटी है कि मैं वो आर्टिशियन जिनको सही, हाँ सही अमाउंट उनकी मेहनत आना उनका जो बोलते हैं कि वो नहीं मिल पाता वहाँ तक पहुँचाना है। और मुझे साथ में अपने साथ में बहुत सारी ऐसी लेडीज को जोड़ना है जो अपने फैमिली से एक्चुअली इकोनॉमिकली उनको स्ट्रेंथन करना, यस एम्पावर करना है। तो मैं उन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ धीरे धीरे। ये मेरा जहाँ जहाँ पे जैसे कुछ चीजें बनारस से आ जाती है, कुछ मतलब जहाँ जहाँ की चीजें साउथ में जहाँ आंध्र से साउथ से जहाँ पे भी जो चीजें जहाँ की अच्छी है वहाँ से मंगाती हूँ। और मैं खुद डिजाइन भी करती हूँ तो कॉटन सूट्स में डिजाइन एक्सक्लूसिव, यस यस हाँ। सिर्फ साड़ीज नहीं है मेरी, बाकी की चीजें भी है, साड़ियों के अलावा सूट्स हैं, ड्रेसेस हैं, वन पीस है। तो डिजाइन मैं आपके ओकेजन से रिलेटेड भी डिजाइन करती हूँ, तो वो सब चीजें थोड़ा सा It is more of customized for the most of customized, yeah. Designer things is more of the customized. So how do you market your product? You market all over India? Yes. मैं Facebook से, Insta के through, YouTube channel के through और बाकी जो business जितने भी business group है उनके through इन सबको market कर रही हूँ। मेरा अपना website है, वो अभी उस पर काम चल रहा है actually। तो e-commerce website भी मैं निकाल लॉन्च कर रही हूँ यहाँ, तो उसमें सारे मेरे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। इनफैक्ट मैं होम से रिलेटेड माय पेंटिंग एंड ऑल वो सब भी उसमें डाल रही हूँ। पेंटिंग में आल्सो भी, यस यस यस, पेंटिंग मेरी डिजाइनर, आपको बेडशीट्स मिल जाएंगी मेरी डिजाइनर, कर्टन्स मिलेंगे। मैं धीरे 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 हर चीज उसमें डालने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जो मेरा इंटीरियर पार्ट है, मैं इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ आपको पता है, तो मैं इंटीरियर के भी जो चीजें हैं उससे रिलेटेड चीजें भी उसमें डालूंगी उस वेबसाइट पे, और मेरे फैशन से रिलेटेड, मेरे आर्ट से रिलेटेड वो सारी चीजें वहाँ पे होंगी। सो लोगों को वो सारी चीजें मिल पाएंगी और यस और धीरे पैन इंडिया एंड उसके बाद बाहर तक भी। Amazing that आपने अपना passion को business बना लिया। Yes, yes, yes. So I think people should learn from this. So what do you have to say for the ladies around who want to start off or they want to bounce back? Yes, yes. Like जब आप बहुत ज़्यादा आपकी शादी होती है या फिर आप काम नहीं कर पाते हो, वैसे स्थिति में आप थोड़े नेगेटिव हो जाते हो कि अब मेरा तो उम्र हो गया, अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकती, अब क्या, अब तो सारा समय बीत गया। तो ये सारे थॉट्स मुझे लगता है कि निकाल देना चाहिए। अगर आपके पास आपके कुछ पैशन है, आपका कुछ आपके अंदर कुछ आपकी स्किल है और आप उससे के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली समय बहुत नहीं हुआ था, कभी भी समय नहीं ज़्यादा होता है। यस यस, उम्र कोई भी ये नहीं है, बाधा नहीं है आपको आगे बढ़ने में। तो आप डेफिनेटली आप फिर से काम कर सकते हो, मैंने फिर से काम किया है, चाहत है तो यस यस आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने एक्चुअली बाउंस बैक किया है, मैं बच्चों को पढ़ा, मैं इंटीरियर का काम कर रही थी, मैंने बहुत सारी कमर्शियल और रेसिडेंशियल वर्क किए, उसके बाद मैंने कुछ सालों के लिए बच्चों के जो 10th 11th थे तब काम अपने बंद किया था एंड फिर रीस्टार्ट किया मैं आफ्टर कोविड 2021 में। तो ये बहुत बड़ी बात थी, मैंने 2016 में बंद कर दिया था काम और फिर से 2021 में स्टार्ट किया। तो बाउंस बैक करना चाहिए और मुझे लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने देखा, देखता हूं प्रोडक्ट, यस, दो आई डोंट यूज योर प्रोडक्ट, आई सी योर प्रोडक्ट, तो अच्छा लगता है फिर। इसलिए मैं हमेशा बाकी के लेडीज को जो है हमारे देश की, उन सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि यस आप बिल्कुल बिल्कुल पीछे ना रहें, आगे बढ़े। आपके अंदर अगर कोई इच्छा है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट
होना ही चाहिए और देर नहीं होगा, कुछ तो हो ही करना, बिल्कुल बिल्कुल धीरे होगा बट होगा, कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए, थोड़ा टाइम लग सकता है बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए और आगे निकले, घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकले, अदरवाइज मुश्किल होगी। आप लोगों से मिले, आपने काम को आगे बढ़ाए और डेफिनेटली आप उसमें कामयाब होंगे। So that was nice. Thank you. So anything else you want to tell my viewers? आपके viewers से यही बोलना चाहूंगी कि महेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके चैनल को आप फॉलो करें, देखें, ये बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इनसे बहुत, आप इनसे इंस्पायर होंगे, सो डेफिनेटली इनको फॉलो करें। आपके बारे में you can give some message that you want to give, anything you want to say about your product or... हाँ, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में ये बताना चाहूँगी कि मेरे प्रोडक्ट जो है वो हैंडलूम से है, प्योर कॉटन में है, प्योर सिल्क में है, वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप देखिए, आप ज़रूर पसंद करेंगे। मेरी पेंटिंग्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, जो आप अपने घरों में, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, तो एक बार जरूर मेरे साथ कनेक्ट करें और डेफिनेटली आप निराश नहीं होंगे, आपको जरूर मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स और मेरे इंफॉर्मेशन, मेरे लिंक्स जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में जरूर रहेगा, आप फॉलो करें और मेरे साथ जुड़ने की जुड़ जाएं। थैंक यू Do like, subscribe and watch.